यार दोस्तों, आज हम बनाएंगे कटहल की सब्जी। ये यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है, कटहल फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए हमारी कटहल फ्राई हो चुकी है। आप सैलो फ्राई, डीप फ्राई, आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। और चुप, हमारी कटहल अच्छे से फ्राई हो गई है। ऑयल हमारा गर्म है, अभी जो कटहल फ्राई की है वही ऑयल बचा है, ये इसमें हम डाल लेंगे। हाफ टेबल स्पून जीरा, एक चम्मच दो इलायची, दो तेज पत्ते, दालचीनी, 4 से 5 काली मिर्च और 2 लाल मिर्च, इससे फ्लेवर अच्छा है। एक मीडियम साइज की प्याज है, मैंने बारीक चॉप कर ली, आप चाहे तो इसे लंबाई में काट सकते हैं। और ये 4 से 5 लहसुन की कलियां हैं। तीन से चार हरी मिर्ची है, आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा करें। ये यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे और इसमें 1/2 इंची अदरक का टुकड़ा लिया है और कुछ कलियां लहसुन की भी है। ये हम एक कटोरी में पानी ले रहे हैं और अब इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और यहाँ पर हल्दी थोड़ी कमी लेंगे और ये 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लहसुन डाला, इसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा सब्जी में। अब इसमें हम ये मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर हम नमक डाल रहे हैं, आप नमक स्वाद अनुसार डाल लें। ये यहाँ पर मैंने लिया है हरी मटर, मैंने यहाँ पर मटर डाल लिया, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं मटर। कटहल में कस्तूरी मेथी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, मैं यहाँ पर कस्तूरी मेथी क्रश करके डाल रही हूँ। ये देखिए खड़े मसालों ने अपना टेस्ट छोड़ दिया, इसलिए मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि खाते वक्त बीच में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं अभी इनको निकाल रही हूँ। कटहल ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। अब इसमें गरम मसाला ऐड कर रहे हैं,
ये कटी हुई काटा हुआ धनिया है, ये मैंने काटने से पहले वॉश कर लिया था अच्छे से। अब इसको हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार है। अब हम गैस ऑफ करेंगे। हाँ, कटहल की सब्जी पूरी पराठा चावल के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें।